मोटे मोटे उसमें लड़के थे, पूरा हाँफ रहे थे, पूरा भैंस के जैसा हाँफ रहे थे। और मैं पीछे मुड़ के देख रहा था और सोचा कि रुक जाऊं और पैदल चलूं। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको किस तरह से मैं ग्रुप डी से टेक्नीशियन बना और डिपार्टमेंट परीक्षा में, डिपार्टमेंटल जो परीक्षा होता है उसमें कितना एग्जाम हमको देना पड़ा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, किस तरह से सब प्रोसेस हुआ, सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ ये भी बताऊँगा कि मैं ग्रुप डी में कौन सा पोस्ट था और ग्रुप डी में जब था तो कौन से डिवीज़न में था, और ग्रुप सी में यानी टेक्नीशियन में जब मेरा पोस्टिंग हुआ तो कौन से डिवीज़न में मेरा पोस्टिंग हुआ। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। कई सारे वीडियो में मैं बताया हूँ लेकिन इतना डिटेल्स में नहीं बताया हूँ, आज मैं आपको पूरी तरह से डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, मैं 2013 में ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी उसमें मैं फॉर्म भरा, उसमें फॉर्म भरा मैं साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। 2013 में भरने के बाद 2014 में उसका एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम देने के लिए भी मैं सिकंदराबाद आया हुआ था। नेक्स्ट 2014 में एग्ज़ाम देने के बाद 2015 में मेरा रिजल्ट आया। करीब 6 महीना लग गए रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने के कुछ ही दिन के बाद मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया। मेरा फिजिकल सिकंदराबाद में था और मुझे सिर्फ 10 दिन का समय मिला था। 10 दिन में मैं अपना रनिंग तैयार कर लिया। यहाँ आने के बाद जब मैं फिजिकल के लिए मौला अली पहुँचा तो मौला अली में RPF कैंप में ही मुझको दौड़ाया गया। उसमें सिर्फ रनिंग लिया गया 1 किलोमीटर, और उसमें देखिए रनिंग में 25-25 बच्चों को एक साथ दौड़ाया जाता था। मुझे 11 नंबर बैच मिला हुआ था, उसमें 25 बच्चों में मैं सबसे आगे था। और मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था और देखिए सब मोटे मोटे थे, मोटे मोटे उसमें लड़के थे, पूरा हाँफ रहे थे, पूरा भैंस के ऐसा हाँफ रहे थे। तो हम कहे यार कितना बिल्कुल आसान था वो, बिल्कुल दौड़ जो है बिल्कुल आसान था। और मैं पीछे मुड़ के देख रहा था और सोचा कि रुक जाऊं और पैदल चलूं, लेकिन हम कहे कि नहीं, एक ही बार पूरा पार करने के बाद ही हम रुकेंगे। उसके बाद कुछ लड़के उसमें भी छट गए, 25 में से लगभग 5-6 लड़के छट ही जाते थे, जबकि उतना आसान था। लेकिन आज की बात किया जाए तो आज दौड़ के साथ साथ आपको 35 किलो का वज़न भी लेके जाना पड़ रहा है। जैसे जैसे यह समय बढ़ता जाएगा ये तो टफ होता जाएगा। हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वहाँ से जब मेरा दौड़ निकल गया तो मेरा जो एडमिट कार्ड था उसके नीचे एक वेरीफाइड स्टाम्प लगा के हमको बोला गया कि आप चले जाइए। बस उतना ही किए, दौड़ सिर्फ निकाल के वो चले आए हम। चले आने के बाद हम फिर अपने घर चले आए। अब मैं जहाँ तैयारी करता था वहाँ मैं फिर से चला गया। वहाँ जाने के बाद मेरे मोबाइल पर एक SMS आया, यू हैव सेलेक्टेड, इस तरह का एक मैसेज आया हुआ था। हम अपने एक दोस्त को दिखाएं तो दोस्त बोला कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपका सिलेक्शन 100% कन्फर्म है। तो मैं सोच रहा था ठीक है, आपकी बात सत्य हो जाए। मुझे भी उस समय तक भरोसा नहीं था कि मेरा क्लियर हो पाया कि नहीं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा एग्ज़ाम में मेरा क्लियर नहीं हो पाया था, थोड़ी थोड़ी अटकने लग जाती थी। इस तरह से आप लोग भी थोड़ी थोड़ी अटकने लग जाती होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद अगस्त 2015 में मुझे मेडिकल के लिए तिरुपति बुलाया गया। मेडिकल और वेरिफिकेशन दोनों साथ ही था, तो मैं तिरुपति में आके वेरिफिकेशन दिया। उसके बाद मेडिकल और वेरिफिकेशन होने के बाद मेरा पैनल में नाम आ गया। पैनल में नाम आने के बाद मैं लगा वेट करने के लिए ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। मेरे साथ जो मेडिकल कराए थे उन लोगों का ज्वाइनिंग लेटर आ गया था और मेरा ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था, इसलिए मुझे संदेह हो रहा था कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा कि नहीं। इसलिए मैं अपने गांव से, यानी मेरा गांव बिहार में पड़ता है, बिहार से मैं सिकंदराबाद चला आया पता करने के लिए कि मेरा ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं भेजा जा रहा है। यह बात दिसंबर 2015 की है। दिसंबर 2015 में मैं पता करने के लिए आया था। उस समय जब मैं यहाँ पता करने के लिए आया, जैसे ही मैं पता करने के लिए गया और घर पर फ़ोन किया एक बार, तो घर में पिताजी बोल रहे हैं कि मैं आपका ज्वाइनिंग लेटर पोस्ट ऑफिस से घर लेके जा रहा हूँ। तो हम यहाँ से फिर रिटर्न हो गए और 21 दिसंबर 2015 को हम घर पहुँच के जो भी डॉक्यूमेंट बनवाना था वो बनवाने लगे। करीबन हमको डॉक्यूमेंट बनवाने में लग गया लगभग हमको 9 दिन का समय लग गया। 21 तारीख को तो पहुँचे थे घर पर और 8-9 दिन में पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह बनवा के 31 दिसंबर 2015 को मैं चला आया। तो मुझे नांदेड़ डिवीज़न मिला हुआ था, इसलिए मैं नांदेड़ डिवीज़न आके ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाने लगा। 9 जनवरी 2016 को मेरा ज्वाइनिंग हो गया। उस दिन से मैं ट्रैकमैन में ड्यूटी करने लगा। मैं पोस्ट ये भी बता देता हूँ कि मेरा ट्रैकमैन पोस्ट मिला हुआ था, कई सारे वीडियो में मैं बताया भी था। दिसंबर 2018 में एक वैकेंसी आई जिसको
जीडीसी बोलते हैं, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए मैं फॉर्म भरा। उसमें बहुत सारा पोस्ट था, उसमें ड्राइवर का भी पोस्ट था, टेक्नीशियन का भी पोस्ट था, वगैरह वगैरह और भी सारे पोस्ट थे, लेकिन मैं ड्राइवर और टेक्नीशियन दोनों फॉर्म भरा। दोनों फॉर्म भरने के बाद दोनों का एग्ज़ाम अलग अलग हुआ। दिसंबर 2018 में फॉर्म भरा और 2019 में उसका एग्ज़ाम हुआ। दोनों का एग्ज़ाम एक ही दिन था, दोनों एग्ज़ाम का मेरा रिजल्ट आ गया। मेरा ALP और टेक्नीशियन दोनों में रिजल्ट आया था, लेकिन ALP का जब साइको हुआ तो साइको में मेरा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, इस वजह से साइको में क्वालिफाई नहीं कर पाया। टेक्नीशियन में रिजल्ट आने के बाद मेरा DV के लिए बुलाया गया, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पैनल बना, पैनल में मेरा नाम था। यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो मेरा डिपार्टमेंटल परीक्षा हुआ था, यानी GDC एग्ज़ाम, उसमें टेक्नीशियन के लिए मुझे एक ही एग्ज़ाम देना पड़ा, वह एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था। और यदि आप RRB से एग्ज़ाम देते हैं तो आपको दो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने होते हैं, लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं है। आने वाले समय में यह बदलाव हो सकता है, लेकिन मुझे एक ही एग्ज़ाम देना पड़ा। एक एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। लास्ट मैं लगा इंतज़ार करने के लिए कब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आएगा, तो ज्वाइनिंग लेटर लास्ट में आया कब, दिसंबर 2019 में आ गया। यहाँ पे हम थोड़ा सा रुकना चाहें, संयोग ही कहिए कि मेरा ग्रुप डी का जो ज्वाइनिंग लेटर आया था दिसंबर 2015 में आया था, और टेक्नीशियन का भी ज्वाइनिंग लेटर कब आया, दिसंबर 2019 में। यह एक संयोग ही कहिए आप। और उसके बाद जब ज्वाइनिंग लेटर पहुँचा तो ग्रुप डी से रिलीव होने में हमको थोड़ा सा समय लग गया, हमको गुंडकल डिवीज़न मिला। एक बात है, यदि डिपार्टमेंट में परीक्षा देते हैं GDC, तो उस जोन में आपको कोई भी डिवीज़न आपको दे सकता है। तो मैं सोचा भी नहीं था कि हमको गुंडकल डिवीज़न दे देगा, और गुंडकल डिवीज़न काफ़ी दूर हो जाता है। वहाँ से जब मैं रिलीव होकर आया गुंडकल डिवीज़न, तब यहाँ पर मेरा मेडिकल हुआ। पुराना वाला ही मेडिकल सर्टिफिकेट मैं लेके आया हुआ था, लेकिन वह मेडिकल सर्टिफिकेट काम नहीं आया, न्यू से फिर दोबारा हमको मेडिकल कराना पड़ा। यहाँ पे मेडिकल मेरा A2 मंगा था, और A2 तो मेरा सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको मेडिकल में। उसके बाद थोड़ा समय लग गया गुंडकल डिवीज़न में मेरा ज्वाइनिंग का प्रोसेस करवाने में, और लगभग हमको 25 दिन लग गया गुंडकल डिवीज़न में। तो 13 फरवरी 2020 में मैं फाइनली ज्वाइन कर लिया, और ज्वाइन करने के बाद मैं डीजल लोको सेट गुत्ती में कार्य करने लगा। डीजल लोको सेट गुत्ती में अभी तक मैं कार्य कर रहा हूँ। ये रहा दोस्तों मेरा एक बड़ी सी जर्नी, कम शब्दों में और बहुत ही आसान शब्दों में। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई जानकारी में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।